छोटे और मझोले शेयरों में निवेश करने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बढ़ते निवेश को ध्यान में रखते हुए सेबी ने मैनेजर से कहा है कि वे कस्टमर के स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में निवेश को सीमित करने का आग्रह करें। मतलब सेबी ये कह रहा है कि आप लोगों को समझाइए कि भाई आप केवल मिड कैप स्मॉल कैप में मत डालिए, इसके अपने फायदे हैं अपने नुकसान भी हैं। साथ ही सेबी ने इन फंड्स की बिक्री के लिए दी जाने वाले कमीशन में भी कटौती पर कहा है, इस पर भी विचार किया जाए। इससे क्या होगा कि भाई हतोत्साहित होगी ये बिक्री की अगर इस पर कमीशन कम दिया जाए। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में अनुमान से ज्यादा निवेश आया। सर डर किस बात का है, सेबी इतना क्यों घबरा रहा है? शुभम, कल हम लोगों ने चर्चा में इस बात का संकेत दिया था कि सेबी ने जो कल इस तरीके का बयान दिया था और एमपी की तरफ से भी जो बात कही गई थी वो ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में बड़ा निवेश बढ़ रहा है, यहाँ पर स्पेकुलेटिव बबल बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बबल अब केवल रिटेल इन्वेस्टर या डायरेक्ट पास सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वाले ही नहीं बना रहे हैं बल्कि म्यूचुअल फंड भी इस बबल को बनाने में मदद कर रहे हैं। और सेबी का इशारा इसी तरफ था कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में जो हमें बढ़ोतरी दिखाई दी है, जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से या फंडामेंटल्स के हिसाब से बहुत तर्कसंगत नहीं लगती, लेकिन अब पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीमों में आ रहा है और वो पैसा घूमकर बाजार में निवेश के लिए पहुंच रहा है और इससे वो बबल बन रहा है और इसलिए सेबी को लग रहा है कि अब इसमें दखल देने की जरूरत है। पर मेरे लिए आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात यह है कि सेबी ने तत्काल 24 घंटे में ही इसका एक प्लान भी सामने सजेस्ट कर दिया है, हालांकि आदेश नहीं दिया है पर इस सुझाव जरूर दिया है कि इसमें निवेश को हतोत्साहित किया जाए। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर सेबी या एमपी म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और तरह तरह से इससे निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब किसी खास फंड में निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। किया कैसे जाएगा? कमीशन बढ़ाया जाएगा, स्कीमों में निवेश रोकने की बात की जाएगी, फंड मैनेजर्स क्या लोगों के एसआईपी नहीं लेंगे या नए एसआईपी नहीं खोलेंगे, देखना मुश्किल है क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसी कोई पुरानी व्यवस्था नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में जिस तरीके का स्पेकुलेटिव बबल है, जिस तरीके की सट्टेबाजी दिख रही है, वो नियामक को डरा रही है और परेशान कर रही है।